अनुपमा पर फिर टूटा दुखों का पहाड़। और अब आप देखेंगे कि अनुपमा यशदीप के गुस्से और आध्या की रिक्वेस्ट की वजह से बहुत दुखी है और वो इन दोनों के बारे में ही सोचती रहेगी। अनुपमा के सामने अनुज बिल्कुल बेबस रह जाएगा और कुछ कहने के हाल में नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी अनुज बिना कुछ बोले इशारों में अनुपमा को जाने से मना करेगा तो अनुपमा हाथ जोड़कर उसे मना करेगी। अनुपमा अपना बैग पैक करेगी और अनुज को बोलेगी कि वो डिम्पी और टीटू की शादी के लिए जा रही है। वहीं पाखी ईशानी को ज्यादा बात करने से डांट लगा देगी। तब वहां पर डिम्पी आ जाती है। डिम्पी पाखी को डांटती है कि वो कहीं और का गुस्सा बच्ची पर ना निकाले। तो पाखी उसे बोलती है कि वो दो बार तो अपनी शादी संभाल नहीं पाई और अब फिर से तीसरी बार शादी करने जा रही है। वहीं इस बात को सुनकर डिम्पी पाखी पर हाथ उठाने वाली होती है, लेकिन वो ये कहकर रुक जाती है कि अगली बार मैं नहीं रुकूंगी। वहीं पाखी कहती है कि भगवान करे इसकी शादी टूट जाए और अनुपमा की तरह ये भी जमीन पर आ जाए। वही वनराज इस फराक में है कि कैसे भी करके टीटू के खिलाफ कोई सबूत मिल सके जिससे शादी तोड़ी जा सके। वनराज कहेगा, पहले तो मैं चाहता था कि अनुपमा शादी में ना जाए, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि वो जरूर आए और देखे कि मैं क्या धमाका करने जा रहा हूँ। अनुपमा यशदीप के पास जाती है जहाँ वो उस पर और गुस्सा हो जाता है। अनुपमा उसे बताती है कि मैं वापस अपने देश भारत जा रही हूँ, भाग के नहीं जा रही हूँ बल्कि डिम्पी की शादी के लिए जा रही हूँ, लेकिन मैं ये वादा करती हूँ कि स्पाइस एंड चटनी बहुत जल्द वापस खुलेगा। यशदीप कहता है कि इतनी बदनामी हो गई है कि अब वहाँ कोई वापस नहीं आएगा। अनुपमा इसका जवाब देगी कि सब वापस आएंगे और सबको सच भी पता लगेगा। इसी के बाद अनुपमा श्रुति से मिलने जाएगी, उसे खुश रहने और अपना ध्यान रखने को कहेगी। श्रुति अनुपमा को बताएगी कि स्पाइस एंड चटनी के बंद होने से उसे बहुत दुख हुआ है। तो अपना गुस्सा जाहिर करते हुए अनुपमा कहेगी कि ये जिसने भी किया है उसे तो मैं पाताल से भी खींच कर लाऊंगी। श्रुति इस पर कहेगी कि मतलब आप वापस आने वाली हैं, तो जब आप आएंगी तो मेरी और अनुज की शादी में जरूर आना। वहीं आध्या को देख अनुपमा अपनी ममता को बांध नहीं पाती है और उसे गले लगाकर रोने लगती है। अब आगे देखना ये होगा कि क्या सच में अनुपमा आएगी अमेरिका वापस या फिर अपने देश में ही रहेगी अनुपमा। शो के सारे अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।